दिल्ली नगर निगम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पहाड़गंज के वार्ड नंबर 82 से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चड्डा के समर्थन में आज बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने उनके समर्थन में प्रचार किया। इस मौके पर अलका गुर्जर ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा कि दिल्ली की जनता बहुरूपियों को पहचान गई है, ये सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन में नजर आते हैं, दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं इन्होंने किया है। इसके साथ ही पहाड़गंज वार्ड नंबर 82 से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष सट्टा को जबरदस्त जन समर्थन भी मिल रहा है, जिसके चलते मनीष चड्डा का ये कहना है कि इस बार पहाड़गंज से बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, हमारा किसी से भी कोई मुकाबला नहीं है और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुरूपिया सरकार को पहचान गई है, ये सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग्स पे नजर आते हैं। वास्तव में दिल्ली के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सारी चीजें कोरोना के समय में लोगों ने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी बिना अपनी काम का प्रचार किए निरंतर सेवा के काम में लगी रही। आपने देखा वेस्ट टू एनर्जी का एक प्लांट लगाया, कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई, भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया और दिल्ली कैसे खूबसूरत बने और दिल्ली किस तरह विकास की ओर जाए, ये प्रयास निरंतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो निरंतर घोटालों की सरकार ही है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर वो सत्ता में आए थे लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और दिल्ली की जनता अब ये वास्तविकता पहचान गई है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी संकल्पबद्ध है सेवा के लिए, इसीलिए हमने नारा दिया है सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और ये सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। इस बार भी कमल खेलेगा, तीन बार खेल चुका, चौथी बार भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से कमल खेलेगा। मेरा कोई मुकाबला नहीं है, आपको जनसमूह नजर आ रहा होगा, आप भी मेरे साथ 3 दिन से घूम रहे हैं, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना समर्थन मिला मुझे पब्लिक का। यहाँ से रिकॉर्ड जीत होगी, यहाँ से इन सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से रिकॉर्ड जीत होगी।